खुद को बेकसूर साबित करने के लिए राधिका ने दिव्यम को दिखाया सबूत में फ़ोटो, तो दिव्यम को हुआ प्यारी बुआ पर शक, लगाया पता तो फंसी। ऐसा तो क्या हुआ मैं आपको बताऊं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको दिव्यम और राधिका की जोड़ी कैसी लगती है। तो मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राधिका बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, क्योंकि प्यारी बुआ के कारण दिव्यम को राधिका पर फिर से हो जाता है कि राधिका की गलतियों के कारण ही ये सब हो रहा है, इसमें उसके परिवार का कोई भी नहीं मिला है। जिसके बाद दिव्यम राधिका पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा जाता है, तो राधिका इस बात से बहुत ज़्यादा ही दुखी और परेशान हो जाती है कि अब वो दिव्यम जी को कैसे विश्वास दिलाए कि उसने कुछ भी नहीं किया है, कोई तो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए राधिका आने वाले ट्रैक में हार नहीं मानेगी और सबूत के तलाश में लग जाएगी, जहाँ आने वाले एपिसोड में राधिका के हाथ सबूत में फोटो लग जाएगा जिसमें लाल निशान लगाया हुआ रहता है, और वो फोटो राधिका का होता है, जिससे राधिका का शक यकीन में बदल जाता है। जिसके बाद आने वाले ट्रैक में दिव्यम को राधिका ये सबूत में फोटो दिखाएगी और बताएगी कि दिव्यम जी कोई तो सच में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप मेरा विश्वास कीजिए, देखिए मेरे फोटो पर किसी ने लाल निशान बनाया है। जहाँ पर दिव्यम को भी आने वाले ट्रैक में फिर से राधिका पर विश्वास हो जाएगा और राधिका से वो माफ़ी मांगेगा, लेकिन फिर दिव्यम बोलेगा कि मुझे लग रहा है राधिका कि अभी तक घर में सबसे ज़्यादा तुमसे नाराज़ जो है वो प्यारी बुआ ही रही है, लेकिन अचानक ही प्यारी बुआ तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगी है, इसलिए मुझे प्यारी बुआ पर ही शक हो रहा है, और घर में तो तुम्हें सब जैसे पहले देखते थे वैसे ही अभी भी तुम्हारे साथ ट्रीट करते हैं। जहाँ राधिका को भी दिव्यम के बात पर विश्वास हो जाएगा, और फिर आने वाले ट्रैक में दिव्यम राधिका फिर से मिल के पता लगाएंगे, और इस बार प्यारी बुआ दिव्यम राधिका के सामने आ जाती है और दिव्यम राधिका पकड़ लेते हैं प्यारी बुआ को। जिसके बाद आने वाले एपिसोड में प्यारी बुआ बुरी तरह फंसेगी, क्योंकि दिव्यम को सारी सच्चाई मालूम चल जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिव्यम प्यारी बुआ के साथ क्या करेगा। आप क्या चाहते हो, क्या हो?